एक काम करते हैं रजी, इससे पहले कि आप सवाल लें, रामदेव जी जुड़ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे बात कर लेते हैं। रामदेव जी गुड मॉर्निंग, और आज हम बात करेंगे ऑब्वियसली मोतीलाल ओसवाल के जो फाइनेंशियल नंबर्स आए उस पर। यहाँ पर नंबर्स एक बार जरा दिखा दीजिए, क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम करीब करीब 17 और रेवेन्यू करीब करीब 24% बढ़ा है, और प्रॉफिट भी यहाँ पर करीब करीब 5% की ग्रोथ आई है। रामदेव जी गुड मॉर्निंग, तो बताइए बिजनेस कैसा लग रहा है और कौन सी सेगमेंट ज्यादा अच्छा कर रही है? गुड मॉर्निंग। यू नो एक्चुअली जो टॉप लाइन है वो 30% से बढ़ा है और बॉटम लाइन जो है वो 26% से बढ़ा है, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बाकी जो जो मार्क टू मार्केट होता है वो इस क्वार्टर में इट इज लिटिल लोअर देन लास्ट ईयर Q2। उसमें कुछ आई थिंक वो क्वार्टर जून जुलाई अगस्त लास्ट ईयर, जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर लास्ट ईयर वॉज वेरी गुड, ऑफ द 4 quarters दैट वॉज ओनली गुड क्वार्टर। सो कंपेरेबल अभी करेंगे तो आप प्रॉफिट इज फ्लैट इफ यू लुक एट द टोटल प्रॉफिट, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज मच मोर सिक्योर प्रॉफिट वो करीब 26% से बढ़ा है। आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी थोड़ा सा एलिवेटेड है, वो उसका क्या कारण रहा है? क्योंकि मैं देख रहा था दोनों ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी बढ़ा है वो। इसमें क्या है कि वी आर बिल्डिंग अ वेरी रैपिडली ऑन टू वेल्थ साइड, सो वहाँ रिक्रूटमेंट बहुत जोर से चालू है। क्योंकि देखिए जो जो कैपिटल मार्केट में जो बूम है वो पहले ब्रोकरेज से चालू होगा, पहले लोग आएंगे, अभी आ रहे हैं लोग, तो उसका क्यूमुलेटिव होगा, फिर वेल्थ बनेगा, देन लोगों को वेल्थ मैनेज, फिर लोगों को समझ में आया कि भाई खाली जाने से काम नहीं चलता, हमको वेल्थ, समबडी हैज टू बी गाइडिंग अस, तो वेल्थ मैनेजमेंट में उसका इफेक्ट आएगा। तो उसको अभी से हम जो है लाइक वी आर बिल्डिंग अप, लेकिन क्या अगर आप जब वेल्थ की टीम बिल्ड करो तो शुरू में उसका प्रोडक्टिविटी कम होता है, तो आप जो लेकिन दे आर एक्सपेंसिव गाइज, सो दैट इज वन। सेकेंड इज दैट mix is changing within the Motilal Oswal, there is a direct booking and there is a through franchisee. So franchisee mein aapko 65-67% aapko you have to pass on, so the mix is, so if the business goes more, comes more from franchisee because it is wide spread, 98% of pin code, so wo sab franchising se aata hai, so our franchising market share, sorry, mix has changed big time and that is leading to my expense also growing. So my top line grows proportionately but expense also grows a little more in the operating expense side. So these are combinations of expenses which have grown. The top line is 30%, but operating expenses have grown at 31%. That's why my profit growth is only 26%. सर ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई कि ये जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला काम है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हम लोग जिस तरह से अपनी इकोनॉमी में चेंज आ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं, तो इसी में थोड़ा, क्योंकि आपने फ्रंट लोडिंग करा, आप खूब ओपेक्स बढ़ा रहे हैं उसमें, लोगों को रख रहे हैं, तो इसको थोड़ा हमें समझाइए कि ये वेल्थ का पूरा मार्केट इंडिया में कैसे ग्रो कर रहा है और उसमें आप अपनी स्ट्रेटजी क्या लेकर चल रहे हैं। देखिए वेल्थ का होता क्या है कि आपका ऐसे GDP 300 लाख करोड़ का है, तो आपका वेल्थ का बेस होगा करीब से 1.5 times टाइप्स, मतलब 400-450 लाख करोड़ का होगा। लेकिन आपका जब GDP 300 लाख करोड़ से 600 लाख करोड़ होगा अगले 7-8 साल में, तो आपका वेल्थ का बेस रहेगा 3x, तो 2400 लाख करोड़ हो जाएगा। तो ये मतलब वो बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। अच्छा वेल्थ जो है, जिसके पास जो वेल्थ, जैसे आपके पास 1000 करोड़ आ गया, तो आप यदि कोई वेल्थ मैनेजर रखोगे और आपका 1000-5000 करोड़ होता है, तो वो सिंगल वेल्थ मैनेजर का ही मतलब काम बढ़ता है। तो ये प्रेडिक्टेबल जर्नी है, वेदर वी आर गुड और बैड दैट ओनली टाइम विल टेल, बट वेल्थ मैनेजर्स विल डू वेल इन इंडिया। ये जो इक्विटी बूम चल रहा है और जो फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ द मार्केट हो रहा है, सी बेसिकली सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द मार्केट हो रहा है। अब ये कितने IPOs आ रहे हैं, क्योंकि क्या है कि आपका इतना डीमैट अकाउंट बढ़ रहा है तो उतना ज्यादा इनफ्लो आ रहा है। जैसे मतलब समझ लीजिए आप ₹1,00,000 पर डीमैट अकाउंट से आए, छोटा बड़ा सब मिला के, तो आप 1000 करोड़ पर डे बोल रहे हैं आप इनटू द मार्केट और 365 डेज, तो आप समझ 3-3.5 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, वो भी क्यूमुलेटिव आके वो खत्म तो नहीं होता ना वो, तो ये बढ़ते जाएगा। ये मतलब यानी एक जैसे डैम में जैसे पानी भरता है ना, ऐसा भरते आ रहा है, और उसका भी अप्रिसिएशन हो रहा है 12-15% से। सो वो जो पूरा पैसा जो है वो दैट हैज टू मैनेज बाय समबडी, आपको हमको थोड़ा समझ में आता है, तो हम खुद मैनेज करते हैं, हम हायर नहीं करते हैं, बिस्मिल्लाह उसको हायर एक्चुअली। लेकिन जो जो प्रोफेशनल है, जो काम कर रहे हैं, जो फैमिली ऑफिसेज हैं, दे विल नीड सपोर्ट ऑफ वेल्थ मैनेजर्स। फैमिली ऑफिस का भी बहुत जोर से हो रहा है, या तो ये जो है ना बहुत बड़ा हो जाएगा, मतलब मुंबई, अहमदाबाद, या आपको दुबई में भी चालू कर दिया उन्होंने कि भाई वहां पर भी फैमिली ऑफिसेज आर अलाउड। सो आई थिंक वेल्थ बेस विल इंक्रीज एक्सपोनेंशियली एंड हेंस वेल्थ मैनेजमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज।
एंड दैट्स व्हाई वी आर बिल्डिंग अप. सी ऑल द पीसेस ऑफ मोतीलाल ओसवाल, देयर आर सिक्स पीसेस ऑफ कैपिटल. बेसिकली यू कैन से टू पार्ट. वन इज अ ट्रांजेक्शन पार्ट एंड सेकंड इज अ एसेट मैनेजमेंट पार्ट. सो ट्रांजेक्शन पार्ट इज डूइंग वेरी वेल, ब्रोकिंग साइड इज डूइंग वेरी वेल, आई बैंकिंग इज डूइंग वेल, सो दैट पार्ट इज डूइंग वेरी वेल. एसेट मैनेजमेंट साइड वी ब्लू अप बिटवीन, आई मीन वी ग्रू वेरी फास्ट बिटवीन 14 टू 18. 2-3 years we had a performance issue and now again we are coming back. So private equity, wealth management and asset management, these two are little slow. इसी पे आना चाह रहा था मैं एक्चुअली. आपने खुद सामने से एडमिट कर लिया कि 2-3 साल मतलब उस पल के जो एसेट मैनेजमेंट है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी खराब रही. तो अब आप अपने इन्वेस्टर्स को क्या सलाह देंगे? वैसे आपका खुद का पैसा उस म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है तो, लेकिन और उसके लिए गेम है खैर आपका, लेकिन क्यों रही वो अंडर परफॉर्मेंस और आगे जाके क्या वो आपको क्यों लगता है कि वो अब रिवर्स होगी? सी पहले क्या था कि जैसे आई वॉज रियली काइंड ऑफ स्पीड हेडिंग इट बिग टाइम. इवन टुडे आई एम चेयरमैन ऑफ द कंपनी, बट आई वॉज ऑल्सो काइंड ऑफ CIO. आई वॉज गाइडिंग द एवरीबडी. सो माई आइडिया वॉज टू मेक मैक्सिमम मनी, बिग एलोकेशन एंड गो फॉर द किल, मतलब एंड बाय एंड होल्ड. एंड मतलब इस टाइप का प्राइवेट मनी जैसे मैनेज करते, इस टाइप का मैनेज करते. वी विल नॉट बदर अबाउट द मार्केट दैट मच. एक्चुअली मेरे ये मानता है इंडेक्स में कौन सा स्टॉक है कौन सा नहीं है, इंडेक्स में क्या परफॉर्म किया, यही मालूम होता है. तो आपको ध्यान नहीं रखते हैं? हाँ. लेकिन बाजार ध्यान रखता है. तो क्या होता है, यदि आप फोकस परफॉर्मेंस चलाओ ना, यदि आपका आउट परफॉर्मेंस 15% है, चार साल तक हमने 15-16% हर साल आउट परफॉर्मेंस दिया. ओके, तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस किया. अब उसी पोर्टफोलियो को यू कैन नॉट कीप एक्सक्लूसिंग द सेम पोर्टफोलियो फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, देन इट लीड्स टू अंडर परफॉर्मेंस. क्योंकि आपका 15% आउट परफॉर्मेंस हो सकता है तो 5-8% अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है. वही हुआ. सो वो 2-3 साल तक जो है ना, वो उसमें सिर्फ जो परफॉर्मेंस था, एक्सेस परफॉर्मेंस जो था, वो काफी कुछ परफॉर्मेंस नीचे चला गया. बट आप यदि एग्रीगेट देखेंगे पूरे 7-8 साल का, यू हैव डन वेल. लेकिन वो 4 साल एक तरफ चलाता है और लास्ट अलग होता है. अच्छा, हर जगह आप देखिए, हर जगह ये होता है जो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम और हाउसेज, दे विल डू वेरी वेल फॉर पर्टिकुलर लेंथ ऑफ पीरियड, फिर देयर विल बी अ पैच. सो हमने क्या बोला कि अब जो नया जो अभी सेटअप किए हैं उसमें हम क्या बोल रहे हैं कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर द हाईएस्ट रिटर्न, वी आर लुकिंग फॉर कंसिस्टेंट रिटर्न. मतलब बीटिंग द मार्केट बाई 3-4%, 5%, बट कंसिस्टेंटली. हमें जो मतलब 4 साल की दिवाली और यू नो 2-3 साल का यू नो की चांदनी नहीं होनी, हाँ वो नहीं होनी चाहिए. मतलब चांदनी वाली वो दैट इज अ स्टाइल. प्राइवेट में चलता है वो, नॉट इन पब्लिक. प्राइवेट में मैं कर सकता हूँ कि भाई मैं कुछ भी हूँ मैं बेचूंगा नहीं. लेट इट अंडर परफॉर्म, आई विल वेट फॉर 2-3 इयर्स एंड देन अगेन द जर्नी स्टार्ट. पब्लिक मनी है तो यू हैव टू बी 12 months. और बिल्कुल सही भी है, राइट अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट. अब चूंकि इतना पैसा आएगा और आप कह रहे हैं बहुत बड़ा पैसा हम लोग देख दे रहे हैं, तो उस पैसे के लिए फिर इकोनॉमी का साइज बढ़ रहा है तो बैंकों का साइज बढ़ेगा, फाइनेंशियल सेक्टर बेसिकली, नॉट बैंक एक्चुअली. अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आप हैं तो मैं बहुत टेम्पटेड हो रहा हूँ कि इस सेक्टर को समझूं मैं, कि बैंक सेक्टर को अगर मैं 2-3 हिस्सों में बांट दूं, एक बड़े लार्ज बैंक प्रॉपर जो कन्वेंशनल बैंकिंग है, एक दूसरा फिनटेक पूरा सेक्टर, एक माइक्रो फाइनेंस है, आप सबसे ज्यादा ग्रोथ इसमें कहाँ देख रहे हैं? सब जगह ग्रोथ होगा, सब जगह ग्रोथ होगा. अब देखिए ये ट्रेंड है फाइनेंशियल सेविंग्स का. इतना था लास्ट 25 साल में 10-12 ट्रिलियन आपने बनाया टोटल सेव किया सब मिला के, हाउस होल्ड कॉर्पोरेट. अगला 25 साल में 100-150 ट्रिलियन डॉलर बनेगा सेविंग्स ओनली. नाउ वेयर द सेविंग्स विल गो, जिस तरफ जाएगा उधर धमाका होएगा. सो बैंक्स में तो पहले जा रहे थे, तो बैंक का एक पेस रहेगा 15-17% का. अब उसमें कोई अच्छा बैंक है कोई खराब बैंक है, तो अच्छे बैंक जो है ना बहुत बड़े बन जाएंगे. जो सक्सेसफुल बैंक जैसे 4-5 जो बड़े बैंक हैं वही ज्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनका फ्रेंचाइज है, उनका ब्रांड इक्विटी है, उनके पास कस्टमर रिलेशनशिप है, जितने बड़े कस्टमर सब उनके पास हैं. सो दोज बैंक्स विल डू वेरी वेल. ओके, देन व्हेन अभी क्या फाइनेंशियलाइजेशन होगा, अब उसमें क्या होगा, पीपल आर पहले क्या था, सब पब्लिक जाके पहले बैंक में डिपॉजिट करते थे, अब ऐसा नहीं होगा. अब किसी को म्यूचुअल फंड खरीदने का है, किसी को गोल्ड खरीदना है, किसी को घर खरीदने का है, जो भी होगा. बट फाइनेंशियलाइजेशन पर जो म्यूचुअल फंड सही है, ये जो कंपेन हुआ और जो डीमैट अकाउंट्स का जो पार्टिसिपेशन जो बढ़ रहा है, लोग जो 25,000 लेके आ रहे हैं, 1,00,000 रुपए लेके आ रहे हैं, 8,500 लेके आ रहे हैं, बट अब वो जो है ना, जो लेस देन 1% ऑफ द एंटायर GDP वॉज कमिंग टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इफ दैट गोज टू 2%, इट अकाउंट 5-6 lakh crores पर एनम. तो ये बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है, ये बहुत बड़ा चेंज है देश में, देश के इकोनॉमिक कंडीशन में. अब हो क्यों रहा है वो, क्योंकि आपको डिजिटल ऑनबोर्डिंग हो गया, आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा हो गया, पूरा डीमेटेड एनवायरमेंट हो गया. तो जो NSE ने जो 20-25-30 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ एकदम,
और उसके ऊपर से फिर से जियो का जो आपका डिजिटल जो जियो फाइनेंस जियो लाइन जियो जो टेलीकॉम का जो पूरा नेटवर्क भारतीय और इनका वोडाफोन का सब नेटवर्क जो पूरे ऑल ओवर इंडिया हर जगह रीच आउट है, ये सब मिला के इनेबलिंग कंडीशन बना और यहाँ पर रिटर्न जो 12-15% है आपको फिक्स ब्याज में 5,000 का मिलेगा और बीच में तो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड फॉरन इवन बिलो 5%। सो उसके चलते अब जो है ना आपका फाइनेंशियलाइजेशन होगा। सो एज जीडीपी ग्रोथ, सर एक छोटा सवाल और आपसे, बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बताई, पूरा बैंकिंग सेक्टर हम लोग अभी ताजा ये देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट लेंडिंग की बजाय कंजम्पशन या रिटेल लेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है, तो इसमें फिर क्या जो नए जमाने के प्लेयर्स आ रहे हैं वो ज्यादा बढ़त हासिल कर लेंगे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए? कहीं कहीं तो जो नए लोग आएंगे जैसे पता डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अच्छे से यूज कर सकते हैं वो उनको बहुत फायदे से, आज देखिए बजाज फाइनेंस हो रहा है वो तो पुरानी भी कंपनी है लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये है या एंजल वन है उन्होंने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से यूज किया। जैसे जीरोधा है उसने ब्रोकिंग भी बहुत अच्छे से यूज किया, लेंडिंग में आ रहे हैं अभी पता जैसे अभी जैसे रिलायंस जियो फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं विल डू एवरीथिंग विद द सपोर्ट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सब जो है दे आर पीपल ऑफ द फ्यूचर। अब कौन अच्छा से एग्जीक्यूट करता है, देखिए लैंडिंग में चक्कर क्या है कि पैसे देना बहुत ईजी है, एक दिन में आप लाख और बांट सकते हो वापस लेके आने का, तो वो जो जो अच्छा कर सकते हैं तो मतलब फिनटेक में एक भी पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज्यादा दे सकते हैं और बारवा के बारे में बहुत ज्यादा जान भी सकते हैं आप, तो वो जो एक सक्सेसफुल मॉडल बनेगा AI के हेल्प से या मशीन लर्निंग के हेल्प से या आपके जो जो भी मेट्रिक्स हैं उसको करके भी आप कलेक्ट कर सको, आपका NPI भी कंट्रोल में रखो फिर तो ओके। लावण्य जी अब मार्केट पर क्या भी बन रहा है क्योंकि कल एक फेड का इवेंट आना था वो हो गया, वो एक बड़ा इवेंट वो बड़ा इवेंट था और वो थोड़ा डविश ही था वो इवेंट लेकिन मार्केट इतना चला नहीं आज, खैर आप डे टू डे मूवमेंट नहीं देखते हैं लेकिन अब क्या भी बन रहा है मार्केट पर? देखिए मेरे लिए 90% जो 10% तो सब मार्केट की बातचीत है लेकिन मैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट देखते रहता हूँ। आज का देखो आज का भी देखा था मैं आज बीस शहर में हर साल रोज एग्री कराता है तो ज्यादा फ्लफी है। 52% ग्रोथ है प्रॉफिट में फॉर दिस क्वार्टर ईयर ऑन ईयर, टॉप लाइन ग्रोथ इज ओनली 5-6%। लास्ट ईयर आई थिंक 35-40% वाज अ टॉप लाइन ग्रोथ बट बॉटम लाइन ग्रोथ वाज वेरी स्मॉल। तो अभी क्या हो रहा है कि मार्जिन इज कमिंग बैक, हर चीज का मार्जिन वापस आ रहा है जहां जहां पिटाई हुई थी कमोडिटी कोलैप्स की वजह से। कमोडिटी शूटअप भी इतना पागल गया हुआ था, अब देखो टिस्को का रिजल्ट 44,000 करोड़ प्रॉफिट आया था एक साल पहले और अभी इस क्वार्टर में लॉस आया। तो ये जो जो कोलैप्स है कमोडिटी का कहीं कहीं कार वाले को या जो भी यूजर है स्टील पाइप वाला है उसको कहीं कहीं तो वो शिफ्ट हो रहा है प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में बहुत जोर से प्रॉफिट आया है अभी, अब और जो बाकी हैं 10-15 दिन में और आ जाएंगे लेकिन मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी बिग इवेंट। तो ये जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट भी बिल्ड हुआ, देखिए आप एक तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट होगा, दूसरा टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी देख लीजिए आप मंथली बेसिस पे आपका जीएसटी कलेक्शन इकोनॉमिक फर्स्ट जो नंबर है 172 इज 172। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एट अ वेरी हाई लेवल, वेरी स्टडली इट इज पिकिंग अप। हाँ तो 6.5-7% जो ग्रोथ बोलते हैं उसके हिसाब से आपका 13% जीएसटी ग्रोथ आया, सो नॉमिनल ग्रोथ अबाउट 10-12% इज देयर। सो ये वो एक सॉलिड है कि भाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर हाई लेवल, इज इट प्रॉफिटेबल, सो यू कैन हैव इकोनॉमिक एक्टिविटी बट कॉर्पोरेट प्रॉफिट में भी लो, सो दैट इज सपोर्टेड बाय माय क्वार्टरली रिजल्ट। सो दोनों एकदम सही चल रहा है। अच्छा वैल्यूएशन देन थर्ड एंगल इज अ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन जो है ना अभी आपका देखिए इस साल के लिए 1,000 रुपए का EPS बोल रहे हैं, 980 से 1,000 के बीच बोल रहे हैं, तो अभी आपका 19,000 का इंडेक्स है तो TTM 19-20-20.5 इज नॉट आउटलैंडिश फॉर द काइंड ऑफ स्टोरी, डबल नहीं है। हाँ सो लेकिन मतलब बहुत चीप भी नहीं, ये बात भी है कि भाई बहुत चीप भी नहीं है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट यू बाय बट इज अ वंडरफुल टाइम टू गो एंड डू शॉपिंग एंड बिल्ड अ पोर्टफोलियो। इंटरेस्टिंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपके नतीजे के लिए। आपने बैंकिंग बारे में जो समझा ना बहुत इंटरेस्टिंग था और होपफुली हम लोग जो है इस जर्नी को साथ के साथ देखेंगे कैसे इकोनॉमी और मार्केट बोला ग्रो करेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रामदेव सर ने हम लोगों को समझाया कि किस तरीके से वेल्थ का कारोबार, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है, इस पर तो पूरा आधे घंटे का शो बन सकता है क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट दिखाता है आपको किस तरह से इक्विटी मार्केट में एसेट एलोकेशन में और एसेट्स में ग्रोथ होती हुई दिख रही है, जिस पर मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का फोकस भी है और इसी पर बातचीत हो रही है। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं और कुछ सवाल लेते हैं।